सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एक टोपोशीट में ये कैसे पता लगाएंगे कि वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है। सो ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम किसी भी टोपोशीट में ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल कैसे फाइंड करेंगे। सो ऑक्यूपेशन मीन्स कि वहाँ के लोग किस टाइप का काम करते हैं या वहाँ के लोग किस टाइप का जॉब करते हैं। सो कहीं के भी लोग किस टाइप का जॉब करेंगे ये डिपेंड करेगा कि वो किस तरह के एरिया में रहते हैं। अब आप इमेजिन करो, कोई पर्सन है जो कि एक विलेज में रहता है या गाँव में रहता है। सो गाँव में रह के वो क्या करेगा, वहाँ एग्रीकल्चर करेगा। एंड अगर कोई पर्सन आपका शहर में रहता है, सो शहर में तो एग्रीकल्चर वो कर नहीं सकता, तो शहर में वो क्या करेगा, या तो वो जॉब करेगा या फिर बिजनेस कर रहा होगा। एंड अगर हम बात करें, कोई पर्सन है जो फॉरेस्ट एरिया में रहता है, सो फॉरेस्ट एरिया में वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई काम कर रहा होगा। सो कोई भी पर्सन किस टाइप का जॉब करता है ये डिपेंड करेगा कि वो किस तरह के एरिया में रह रहा है। वो एक एग्रीकल्चर एरिया में रह रहा है, या फिर वो सिटी एरिया में रह रहा है, या फिर वो फॉरेस्ट एरिया में रह रहा है। तो हमें मैप पे देख के सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो मैं मैप गिवन है वो किस रीजन का है। वो क्या वो एग्रीकल्चर एरिया है, या फिर वो फॉरेस्ट एरिया है, या फिर वो सिटी एरिया है। सो ये हम कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। सो मान लो, सपोज आपको मैप पे बहुत सारा येलो कलर का एरिया जो दिया होता है। सो जो येलो कलर का एरिया होता है उसका मतलब होता है कि वो क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड। जो येलो कलर का रीजन में दिया होता है, येलो कलर का रीजन ये बताता है कि वो जितना भी लैंड एरिया है वो सारा कल्टिवेबल लैंड है, यानी कि वहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो सकती है या होती है। सो येलो कलर से हमें ये पता लग जाएगा कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोग ऑब्वियसली एग्रीकल्चर कर सकते हैं। आपको इतना पता है कि खेती के लिए हमें पानी भी चाहिए फॉर इरीगेशन। सो सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड से एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, अगर एग्रीकल्चरल लैंड के साथ साथ वहाँ पे आपको वेल्स मिल जाए, पेरिनियल वेल्स इस तरह, या फिर आपको वहां से रिवर बहती हुई मिल जाए। सो एक रिवर या फिर पेरिनियल वेल्स प्लस एग्रीकल्चरल लैंड, तो उस एरिया में पॉसिबल है कि लोग वहां पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं। सो वहां के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर। सो पहला ऑक्यूपेशन क्या आ गया हमारा, एग्रीकल्चर। अगर वहां पे जो लैंड एरिया है वो कल्टिवेबल लैंड है या एग्रीकल्चर लैंड है, और वहां पे आसपास हमें कोई रिवर बॉडी या फिर हमें वेल्स है हमारे पास, सो वहां पे इरिगेशन पॉसिबल है एंड एग्रीकल्चर लैंड भी है। सो उस एरिया में क्या पॉसिबल है, एग्रीकल्चर। अब कहीं कहीं पे हमें इस तरह कुछ ग्रीन कलर का एरिया दिया होता है किसी किसी मैप में। सो इस ग्रीन कलर के एरिया का मतलब होता है कि वहां पे क्या है, फॉरेस्ट। सो अभी मैंने आपको बताया कि कोई पर्सन अगर फॉरेस्ट एरिया के पास रहता है, सो वहां पर वो क्या जॉब कर सकता है, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट आइटम्स। सो अगर फॉरेस्ट एरिया में ट्री कटिंग अलाउड है, सो वहां पे वो ट्री कट कर सकता है। सो बेसिकली वहां पे वो जो भी फॉरेस्ट आइटम्स है वो उनको कलेक्ट करके सेल कर सकता है। सो सेकेंड टाइप का जॉब हमारा क्या आ गया, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट आइटम्स। मीन्स अगर हमारे मैप एक्सट्रैक्ट में फॉरेस्ट एरिया गिवन है, तो वहां के लोग किस टाइप का ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट आइटम्स। सो ये है हमारा सेकेंड जॉब। अब थर्ड देखते हैं। अब किसी किसी मैप में आपने देखा होगा कहीं कहीं पे इस तरह बना होता है और वहां लिखा होता है स्टोनी वेस्ट। अब इस स्टोनी वेस्ट का मतलब क्या होता है कि वो जो इलाका है वहां पे पत्थर पाए जाते हैं। सो किसी भी एरिया में अगर पत्थर पाए जाते हैं तो वहां पे एक और ऑक्यूपेशन पॉसिबल है जिसे हम कहते हैं कटिंग ऑफ स्टोन्स, कटिंग ऑफ स्टोन्स। सो कटिंग ऑफ स्टोन्स बेसिकली मीन्स जैसे कि आपका लाइम स्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये सारे पत्थर कहाँ से आते हैं, ये सारे पत्थर नेचर में पाए जाते हैं। सो ये वहीं स्टोनी रीजन से कट होके आते हैं। सो अगर आपके मैप में स्टोनी वेस्ट किसी रीजन में दिया है, सो वहाँ पॉसिबल है कि वहाँ के लोग क्या कर सकते हैं, कटिंग ऑफ स्टोन करके अपना ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। सो ये आ गया थर्ड टाइप का ऑक्यूपेशन। एक और देख लेते हैं। अब जैसे मान लो आपका कोई सिटी एरिया है, मान लो किसी सिटी एरिया में आपका पोस्ट ऑफिस है और कोई और ऑफिस है, सो वहां के लोग किस टाइप का जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब। और मान लो अगर ऑफिस नहीं भी है, सिर्फ अगर वहां पे घर है, सो वहां के लोग बिजनेस भी कर सकते हैं। सो फोर्थ टाइप का जॉब क्या आ गया, बिजनेस। सो अब ये मैप एक्सट्रैक्ट पे डिपेंड करेगा कि वो मैप आपका किस एरिया का है, किस टाइप के एरिया का है। सो उस टाइप के एरिया में आप देख सकते हो कि वहां पे क्या क्या बिजनेस पॉसिबल है, क्या क्या ऑक्यूपेशन पॉसिबल है। सो गाइस, ये एक टोपोशीट, अगर हम इसमें देखें सो आपको बहुत सारे येलो एरिया दिख रहा होगा। सो येलो एरिया है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा कि जो रिवर है वो रिवर तो सूखी हुई है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे क्या है, वेल्स हैं कई सारे। सो यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है प्लस ये वेल्स हैं। सो यहाँ पे एक ऑक्यूपेशन तो आपका क्या आ जाएगा इस मैप के लिए, आपका आ जाएगा एग्रीकल्चर। सो इस मैप में अगर पूछा जाता है दैट व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन दिस मैप एक्सट्रैक्ट,
सो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ के लोग क्या करते होंगे, एग्रीकल्चर। सो यहाँ पे अगर आप और देखो, सो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया भी इस मैप में गिवन है। सो यहाँ पे एक और ऑक्यूपेशन पॉसिबल है जो कि क्या हो सकता है, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट आइटम्स। सो यहाँ पे दो ऑक्यूपेशन हो गए। एंड यहाँ पे हम एक और चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिटीज हैं, सिटीज में आपके देखिए पोस्ट ऑफिस, यहाँ एक पोस्ट ऑफिस है एंड इस सिटी में भी आपका एक पोस्ट ऑफिस है। सो यहाँ पे एक और ऑक्यूपेशन पॉसिबल है, दैट पीपल डू गवर्नमेंट जॉब्स हियर। सो यहाँ पे इस मैप में आपके तीन ऑक्यूपेशन आ गए। सो फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, सेकेंड वन इज कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट आइटम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फॉरेस्ट, एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट जॉब बिकॉज देयर आर पोस्ट ऑफिसेज इन द सिटी एरिया। सो यहाँ पे तीन तरह के ऑक्यूपेशन आपके हो गए। सो मैप एक्सट्रैक्ट में जनरली आपसे एक या दो ऑक्यूपेशन पूछे जाते हैं, तो आई गेस आप अभी मैप एक्सट्रैक्ट को देख के ये बता सकते हो कि उस मैप एरिया में रहने वाले लोगों का ऑक्यूपेशन क्या होगा। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।